मैं हूँ आपके साथ नेहा। इस वक्त अगर हम बात करें पूरे देश की, तो कहीं ना कहीं पूरा देश काफी ज्यादा उदास है। कि जहाँ एक तरफ देश को ये उम्मीद थी कि अब भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा और इतिहास दोहराएगा, लेकिन यहाँ पर एक चूक यहाँ पर भारत के जो क्रिकेटर्स हैं उनसे होती नजर आई और भारत को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार पर भी अब राजनीति गर्म हो रही है धीरे धीरे। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत को फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो इसी बीच यहाँ पर बता दें कि 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव के न्योता नहीं मिलने के दावे पर सियासी बयानबाजी शुरू होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने दावे को फाइनल मैच में यहाँ पर कांग्रेस ने कपिल देव को फाइनल मैच में नहीं बुलाया और जाने पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इस फैसले को तुच्छ भी बताया है। कांग्रेस नेता वरिष्ठ जयराम नरेश के कुछ समय पहले हुए महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि यह एकदम अस्वीकार्य और बहुत ही छोटी हरकत है। ये क्रिकेट के प्रतिष्ठान ने कपिल देव को अहमदाबाद में फाइनल का न्योता क्यों नहीं भेजा। उन्होंने आगे लिखा कि बेदी की तरह कपिल देव भी अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कुछ महीनों पहले विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के समर्थन में वे खुलकर सामने आए थे। राजधानी दिल्ली में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और समेत कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए आपको बता दें कि कपिल देव क्या बोले हैं। एक चैनल से खास बातचीत करते हुए पूर्व भारतीय कैप्टन से सवाल पूछा गया कि आप फाइनल मैच में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बताया कि न्योता ही नहीं दिया मुझे तो मैं कैसे जाता। देव ने कहा मुझे बुलाया मैं इधर आ गया, वहाँ नहीं बुलाया तो मैं नहीं गया। बस इतनी सी बात है, मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी 83 की टीम को बुलाते तो और बेहतर होता, लेकिन इतना काम चल रहा है, इतने लोग हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी लोग भूल जाते हैं। रविवार को गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए विश्व कप के अंतिम मुकाबले में भारत को एक करारी हार मिली, जिसके बाद से देश यहाँ पर काफी ज्यादा दुख व्यक्त करता नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे देश को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं भारत जीतेगा। सेमीफाइनल में जीत के बाद यहाँ पर जब फाइनल में हार मिली तो एक बड़ा धक्का देश के नौजवानों को खासकर यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में कपिल देव को ना बुलाने पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर दी गई है? इस रिपोर्ट को आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।